सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट कप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और स्वयं यहां पर तमाम हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई। इस 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है ताकि वो आगे बढ़ सकें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा ले सकें। अगले 7 दिनों तक लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को अपने दिव्यांग जनों के T20 क्रिकेट को देखने का और उसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर मैं प्रातः काल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहां पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ। आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके विकास के लिए काम कर रही है।